ये देखिए मैडम क्यूरी को। हाँ जल्दी करो जल्दी मान्या, देखो कैसे होगी ये शक्ल ना। तो बना कितनी थे, कितने परसेंट तैयारी होगी? 20% नहीं नहीं मैथ तो इसका अच्छा हो गया, आज इसने बहुत अच्छे से कर लिया मैथ्स का ना। हमने एक सैंपल पेपर किया था लास्ट ईयर वाला, तो वो ये तो इसने 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। तो अभी बाकी जो अभी न्यू है, क्योंकि इस बार सिलेबस भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अभी शाम के 7 बजे हैं, तो मैंने 1 घंटा निकाला है अपने लिए थोड़ा वर्क करने के लिए। तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लूँ, थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो मैं कंघी करके अभी थोड़ा सा फटाफट बाहर जाऊंगी, और फिर उसके बाद 8 बजे वापस आना है। 7 बज गए हैं, 7:15 के बीच में हम लोग निकलेंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे मैं और मान्या, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है। स्कूल जो है पंजाब में फिर से बंद हो गए हैं ड्यू टू कोरोना, और अभी क्या है सेल्फ स्टडी तो चल ही रही है, ऊपर से जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आगे है। तो अभी जो सारा साल मस्ती की है इतना वो किया, तो अभी बच्चों को डर लग रहा है एग्ज़ाम आगे क्या होगा कैसे होगा। तो बस मैं बेटे बच्ची की वही हेल्प कर रही हूँ उसको पढ़ा करके, तो क्योंकि सारा दिन पढ़ के थोड़ा सा बोरियत हो जाती है। तो मैं अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं बाहर, मैं वॉक करूँगी और वो साइकिलिंग करेगी। तो चलिए आगे का जो वीडियो है मैं रास्ते में बनाती हूँ। ये जो सूट है फुल ऐसे है, इसके साथ ये मैंने प्लाजो बनाया हुआ है, ये भी मैंने खुद ही बना रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा वेट भी गेन कर लिया है, क्योंकि पिछले 12-13 क्या 15 दिन से मैं बिल्कुल बिजी हूँ। बिजी इन द सेंस कि 12 से 14 घंटे जो है सिटिंग हो रही है, तो उसी में ही थोड़ा सा वेट मुझे लग रहा है गेन कर लिया है। तो अभी मैं लगभग तैयार हो गई हूँ। देखिए यहाँ से मेरा थोड़ा सा पेट बाहर को आ गया है, ये साइडें भी मुझे टाइट लग रही हैं। तो ये शूज आज बिल्कुल पूरी तरह से मैच हो रहे हैं, ये मैं मास्क लगा करके ही जाऊंगी। आपने को बताया था ये मेरी बाहर है। तो ये आ गई मेरी लड़की भी, जिसको अभी 12-13 घंटे के बाद अभी बाहर निकालूंगी। तो जल्दी कर जल्दी मनिया, मास्क और रबर बैंड नहीं मिल रहा। जल्दी करो, मैं क्या फिर टाइम खत्म हो जाना है, जल्दी करो। और एक्चुअली इससे ज्यादा ना मुझे टेंशन हो रही है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि जब ये रात को सोती है तो मुझे बोलती है मम्मा मेरा उसमें हो जाएगा, तो फिर मुझे टेंशन होने लगती है कि बच्चा टेंशन में है तो अब क्या करूं। तो मैं वो हर कोशिश कर रही हूँ कि जिससे इसको इजी से इजी मेथड से इसको पढ़ाया जा सके और ये कंफर्टेबली अपना जो एग्जाम है वो दे पाए, तो वही कोशिश है मेरी। सो मैं अभी पूरी तरह से रेडी हूँ, बस अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। हाँ मैं तैयार। सो हो गए तैयार। नहीं ये इसका दुपट्टा ऐसे रखूंगी, आगे मुझे शर्म सी आ रही है, आगे से पेट दिख रहा है। और वैसे बोलेंगे मोटू। तो चलिए, एक तो जो हाइट वाला बंदा होता है ना कोई भी इंसान, तो थोड़ा सा भी वो मोटा हो जाए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मेरी हाइट जो है बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाता है। तो चलिए अभी ये देखिए मैडम क्यूरी को। जल्दी करो जल्दी मान्या, देखो कैसे होगी ये शक्ल ना। तो बना कितनी थे, कितने परसेंट तैयारी होगी? 20% नहीं नहीं मैथ तो इसका अच्छा हो गया, आज इसने बहुत अच्छे से कर लिया मैथ्स का ना। हमने एक सैंपल पेपर किया था लास्ट ईयर वाला, तो ये तो इसने 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। तो अभी बाकी जो अभी न्यू है, क्योंकि इस बार सिलेबस भी। चलो चलो बोल रही है और चल नहीं रही है, लाइट ऑन रहने देना। हाँ घर पे रहने दे, हम लोग जा रहे हैं।
और ये देखिए मेरा सपुत्र, ये देखो इसके बेड का हाल, ये है पढ़ने वाले बच्चों का हाल। बाहर बहुत अंधेरा अंधेरा हो रखा है, तो अभी हम सीढ़ियों से नीचे ना बने कर दी। सो ये बाहर का नजारा, वो करके आगे 40 मिनट के, और अभी देख सांस से सांस नहीं मिल रही है, 150 सीढ़ियां भी चढ़ी हूं मैं। बोला था लिफ्ट ले लो, और अभी सच में मेरी ना सांस नहीं मिल रही है। तो अभी बस हम चेंज करेंगे, आधे घंटे के बाद डिनर, और डिनर के बाद फिर हम 2 से 2.5 घंटा पढ़ेंगे, और ठीक 11 और 11:30 के बीच में हम लोग सो जाएंगे। तो चलो मिलती हूँ अभी मैं आप लोगों को डिनर पे। कर दिया बंद, पकड़ा दे। नहीं तो ये है हमारा आज का डिनर, देखिए हमने ये बनाई है आलू और बीन्स की सब्जी, ये, और यहाँ देखिए मान्या अभी शक्ल देखो कैसी बन, और मान्या ये अभी डिनर करेगी। मैं डिनर बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि आज हमने सुबह बहुत हैवी खा लिया था, दोपहर को भी खा लिया, तो अभी मैं जो है डिनर नहीं करूंगी, बेटा भी करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ फिर मैं कल आप लोगों को नई वीडियो के साथ, अगर मौका मिला वीडियो बनाने का। बाय बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह जो हम लोग स्प्रिंग रोल बनाए थे उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, तो मैंने सोचा उसको ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए घर पर हमने स्प्रिंग रोल बनाए थे, मैदा का आटा गूंथ लिया था, कुछ सब्जियों को हमने स्टीम कर लिया था, तो सॉस वगैरह का यूज़ करके, तो इस तरीके से हमने घर पर ही स्प्रिंग रोल बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो टेस्टी होने की वजह से ही मैंने कुछ ज़्यादा खा लिए, और फिर सारा दिन हम बैठे रहे थे तो इसलिए ना काफ़ी हैवी हो रखा है, तो इसी वजह से मैं डिनर नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया था, तो इसको आप वैसा ही टेस्ट आया था जैसा हम मार्केट से ला करके खाते हैं, बट इसमें क्या है कि मुझे पता है मैं कैसा तेल यूज़ कर रही हूँ, क्या इसमें सब्जियाँ डाली है। तो आप लोग भी घर पर बना करके बच्चों को जरूर खिलाना, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम बना करके इसकी जो रेसिपी है वो डाल दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, बस यही मैंने इसके साथ ऐड किया था ये वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो हमने काफ़ी सारे बनाए थे ये, तो ये 2 पीस हैं, हम लोग 3 लोग हैं तो एक एक बंदे में ये 2 पीस खाए, तो देख लीजिए कितना हैवी था। ओके बाय, टेक केयर।